समावेशी को बढ़ावा देने की दिशा में एक अभूतपूर्व प्रगति में न्याय प्रणाली राष्ट्र के तत्वाधान में दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने चौथे राष्ट्रीय लोक अदालत को सफलतापूर्वक आयोजन किया है। न्यायमूर्ति मनमोहन के समक्ष नेतृत्व और मार्गदर्शन के तहत मंच के प्रवेश पर विशेष सहायता डेस्क स्थापित किए गए। इसके अतिरिक्त व्यवस्था की बुनियादी सुविधाओं की पेशकश करने के लिए लोगों को अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटने के लिए प्रोत्साहित करना आदि रहा। आपको बता दें, इस राष्ट्रीय लोक अदालत में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2,45,253 मामलों को संदर्भित किया गया। दैनिक भास्कर संवाददाता अफसर खान से बात करते हुए प्रिंसिपल जज पटियाला हाउस कोर्ट संजय गर्ग तथा DSLSA के मेंबर सेक्रेटरी मुकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि 7 जिला न्यायालय परिसरों में 325 लोक अदालत बेंच रहे। दिल्ली से दैनिक भास्कर संवाददाता अफसर खान की रिपोर्ट। NDLSS से संजय गर्ग जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पटियाला हाउस कोर्ट में इस वक्त मौजूद हूँ। राष्ट्रीय लोक अदालत का यहाँ जो है पूरी तरह से, इस वक्त आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर की तस्वीर पर किस तरह से राष्ट्रीय लोक अदालत यहाँ चालू की जाती है, और साथ में DSLSS से मेंबर सेक्रेटरी मुकेश कुमार गुप्ता जी भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। बात करते हैं सीधा इनके साथ में, सर आज के विषय में जानना चाहूँगा। सो आज हम नेशनल लोक अदालत ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो पटियाला हाउस कोर्ट में, बाकी तो ऑल ओवर दिल्ली है, ऑल ओवर इंडिया है, तो पटियाला हाउस कोर्ट में 28 बेंचेस हमने ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें से 17 ट्रैफिक के बेंचेस हैं और 18 बाकी सिविल केसेस और पेटी क्रिमिनल केसेस, बैंक सेटलमेंट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मैटर्स, सो वैरायटी ऑफ केसेस आर लिस्टेड फॉर बिफोर डिफरेंट बेंचेस। रिजल्ट इज़ वेरी इनकरेजिंग, पीपल आर कमिंग इन बिग नंबर्स। सो मॉर्निंग 10 बजे हमने शुरू कर दिया था, रिस्पॉन्स इज ह्यूज, यू सी दिस इज 1 PM, 1 बजे भी पूरा रश लगा हुआ है। सो इट्स ए वेरी वेलकम स्टेप, सो आई अप्रिशिएट माई ब्रदर मुकेश गुप्ता जी हु इज़ मेंबर सेक्रेटरी DLSA। सो दिस टीम इज़ वर्किंग फॉर द लास्ट मैनी डेज, हम तो आज आगे मौके पर चौका मार रहे हैं, बट ये दे आर द यू सी बिहाइंड द स्टेज आर्टिस्ट जिसे बोलते हैं ना, हम तो स्टेज एक्टर्स हैं, बिहाइंड द स्टेज एक्टर्स हैं। इनकी बहुत एफर्ट्स हैं, बड़ा हार्डवर्क है इनका, सो आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट एंड रिस्पॉन्स इज़ वेरी गुड एंड इट्स रियली सर्विंग द पर्पज़ फॉर विच दिस इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन क्रिएटेड। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर समय देने के लिए। मुकेश जी के द्वारा भी इस वक्त अब बात करना चाहेंगे, सर आपसे भी जानना चाहूँगी आज चूँकि इतना समय हुआ, सर ने खुद बताया कि 1 बजे का समय हो चुका है, 9 बजे से यहाँ जो है तमाम तरह की सहूलियतें दी जा रही हैं, कितने लोग अब तक आ चुके होंगे अगर बात की? देखिए अब सबसे पहले तो ना मैं आपको 2 खास बात बताना चाहूँगा इस नेशनल लोक अदालत के लिए। एक तो ये इस साल की चौथी और आखिरी नेशनल लोक अदालत है, दूसरा इस बार माननीय कार्यकारी न्यायाधीश, माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश दिल्ली हाई कोर्ट, और जो कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के, उन्होंने पर्सनली विजिट किया और पर्सनली सुपरवाइज किया। बहुत ही सेंसिटिव जज हैं और उनको हमेशा लगता है कि जो पेंडेंसी है उसको किसी भी तरह कम किया जाए। अगर आप एफर्ट्स देखें, जैसे कि संजय गर्ग साहब ने बताया, मेरे ब्रदर जो कि खुद कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि रात रात तक हम लोगों ने तैयारियां की हैं और सर लगातार लगे रहे हैं। जो रिस्पांस आज आ रहा है, आप देखिए 2,45,000 से ऊपर के रेफरल हैं, और जो रिस्पांस अब तक दिख रहा है 1 बजे, जो भीड़ आप देख पा रहे हैं, अगर कैमरामैन आपका दिखा पाएगा, तो रिस्पांस दिसंबर में संडे वाले दिन इतने ज़्यादा लोग होना, मैं कहूँगा कि मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ जो भी एफर्ट्स हुए। बिल्कुल अभूतपूर्व है, समय देने के लिए धन्यवाद। तो देखिए आप सुन रहे थे किस तरह से DSLSA के द्वारा यहाँ आयोजित, यदि बात की जाए तो तमाम ये नेशनल लोक अदालत का यहाँ आयोजन किया जाता है, जिसमें खुद जो है सुप्रीम दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मनमोहन जी भी अपनी शिरकत प्रस्तुति यहाँ दर्ज कराते हुए नज़र आते हैं, और तमाम तरह के यहाँ लोग जो है आपको DSLSA के द्वारा मुकेश कुमार गुप्ता जी और सुनील गर्ग जी अपनी अपनी यहाँ वक्तव्य पेश करते हुए नज़र आते हैं किस तरह से DSLSA के द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय लोक अदालत में इस तरह तमाम तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है और लाखों की संख्या में लोगों की समस्याओं का निवारण भी किया जाता है। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफशा खान।